अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माई कैफे यूएई स्पेशल में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। और आज व्यूज थोड़ा डिफरेंट टाइप का हमारा कसौटी है, क्योंकि इन हाउस इन स्टूडियो बस मैं हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम पुन्नू और हमारे चैलेंजर, और उनके साथ साथ तमाम हमारे प्लेयर्स इस वक्त जूम की कैद में हैं। आफ्ताब साहब, शकील साहब, एज़ यू कैन सी दे आर ट्रैवलिंग, FSJ हमारे साथ जूम पे प्रॉपरली मौजूद हैं, और हमारे चैलेंजर तुषार साहब भी। सबको अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब और शकील साहब से मुखातिब होकर कहती हूँ कि सर ऐ की मजाक है। नहीं, हम इनफैक्ट पहुंच रहे थे, लेकिन फहीम साहब को जरा ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि 12 बजे इन्होंने स्टूडियो ऑफ करना होता है, तो इसलिए मैंने कहा ऐसी क्या बात है यार, कसौटी में हमारी आवाज मैटर करती है, तस्वीर मैटर नहीं करती, आप फोन पे ले लें। फिर जूम दिया गया, हम जूम पे मौजूद हैं, आप खुद लेट कर रही हैं, डिले कर रही हैं। बाय द वे, वी आर 7-8 मिनट्स अवे। हम उस 7-8 मिनट में 10-15 सवाल कर सकते हैं, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। चलिए जी, तुषार साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए शख्सियत मर्द है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, शख्सियत मर्द है सर जी। जिंदा? नो सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, एशियाई? एशियाई है सर। साउथ एशियन? साउथ एशियन। ताल्लुक हिंदुस्तान से? जी सर। शकील साहब, योर विटनेस, पुरानी शख्सियत लगती है। बट वी शुड स्टार्ट विद 50 इयर्स आई गेस। ओके गुड। तुषार साहब, इनकी डेथ को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं सर? ऑलमोस्ट 50 इयर्स, अराउंड 1974 जी। ओके, दैट्स हेल्पफुल। फील्ड शोबिज से शुरू करें, शोबिज या पॉलिटिक्स से क्यों ना करें? शोबिज बहुत बेहतर होता है। नहीं, 74 जो है ना, 74 ये बड़ा वोलेटाइल पीरियड था इस खित्ते के लिए, तो हो सकता है कि सियासी शख्सियत, लेकिन वी विल स्टार्ट विद द शोबिज। अच्छा जी, ताल्लुक शोबिज से है तुषार साहब? जी सर, शोबिज से। ओ, शोबिज से। शोबिज से ताल, तो फिर ये मौसीकी हो सकता है। वजह शोहरत मौसीकी है? नो सर, मौसीकी नहीं है। आज हमारे सारे गेस्ट गलत हो रहे हैं, आज की करके आए हो, तैयारी करके आए हो कुछ, लेकिन शोबिज तो हम अदरवाइज वुड हैव बीन 3-4। अच्छा जी, वजह शोहरत अदाकारी है? नो सर। सिप्पी? नहीं, सिप्पी तो बात की, ये तो 50 साल पहले। अच्छा, हमने मौसीकी पूछी है, अदाकारी पूछी है, ठीक है ना? या या। अब शायरी रह गई, मतलब राइटर रह गया और डायरेक्टर रह गया। शायरी पे जाएं। डायरेक्टर ना पूछ रहे, फिर राइटर पूछ रहे। अच्छा, ये बताइए कि डायरेक्टर है? नो सर, डायरेक्टर नहीं है। वजह शोहरत डायरेक्टर नहीं है। तुषार साहब, जहाँ पर इन्होंने आपसे क्वेश्चन नंबर 7 किया कि ताल्लुक शोबिज से है, तो उसके जवाब में आपको शोबिज से भी कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, शोबिज से भी है। ओ, जी नहीं भाई, ये देखे ना, ये आपको ख्याल लेट आया डॉक्टर साहबा। सर, वो जब मैं अपनी जितनी देर में मैं लिख रही होती हूँ ना टीम के साथ, मसला ये होता है कि वो स्पीड मैच नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। चले FSJ, जरा दिमाग दौड़ाइए, क्योंकि अब इसमें भी आ गया है। कुछ शायर ही है? हाँ, कुछ शायर, लिखारी, स्टोरी टेलर, अदीब। वजह शोहरत आपने शोबिज कही है, शोबिज है, यानी अभी कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी कोई वजह शोहरत है? जी, ऐसे जी ही सर, है जी। तो फिर दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल है? इल्म फजल में सर क्या इंक्लूड कर लेंगे? राइटर, पोएट, राइटर, अदीब, हिस्टोरियन, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी टेलर। जी सर, आ गया, यही है। 11 क्वेश्चंस जी। शकील बदायूनी की वजह शोहरत सिर्फ यही है, ठीक है ना? और एक तो कोई पुराना राइटर, कोई पुराना, आर यू श्योर शकील बदायूनी डाइड इन 74? मतलब 70s आई गेस, लेटर। अच्छा जी, अगर इल्म फजल है तो बुनियादी तौर पे शायर हैं? जी सर, शायर हैं। सर, 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस। अच्छा जी, एक तो शकील बदायूनी हो गए, दूसरा साहिर तो लेट हुए उनका, और उन पहले कर भी चुके हैं हम साहिर,
डाइड इन 1980। 80, और हसरत जयपुरी भी बाद में है। यार शकील बदायूनी पे बदायूं से ताल्लुक है। या दैट्स राइट। अच्छा तुषार साहब, ताल्लुक बदायूं से है? नो सर, बदायूं से नहीं है। इट इज नॉट Who else died in that period? राइटर, शायर, Famous, अदीब, right? वो मैदी, मैदी अली खान, राजा मैदी Faith का ना? खान। How many questions? 13। थर्टीन, वाह जी Faith का मेरे ख्याल में हेल्पफुल होगा। जी, पूछिए। नो तो शायद साहब कोई हिंदू पर्सनालिटी? सर, हिंदू पर्सनालिटी नहीं है। मुसलमान से फिर पूछना पड़ेगा, मुसलमान इन ऑल प्रोबेबिलिटी नहीं, मुसलमान ही होगा और सिख तो नहीं तो। लिखा। राजा मेहदी अली खान एक शायर, बहुत बड़ा शायर, और इसकी वजह शोहरत, मदन मोहन, मदन मोहन के साथ उन्होंने बहुत काम किया, और शोबिज के साथ उनका ताल्लुक। अच्छा तुषार साहब, ये बता दीजिए कि ये सिर्फ शायर हैं और फिल्मी शायर हैं, शोबिज के साथ ही ताल्लुक है, बाद में ये ना हो कि फिल्म के कोई टेक्नीशियन भी निकल आए, कोई और तो वजह शोहरत नहीं है ना? नो सर, नो। अच्छा, सर फिर मैदी, राजा मैदी लिखा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उनकी सने वफात का पता नहीं है, लेकिन ये कि अरसा दराज से वो भी मतलब गायब, इसलिए कि और बहुत कम काम किया उन्होंने, वो कौन थी के बाद बहुत थोड़ा काम उनका सामने आया। अच्छा जनाब, उनकी फिल्मों में वो कौन थी शामिल है? मेरी नो मुराद सर, राजा नहीं मैदी है, अली खान है, बस फिर नहीं है वो सर। ये वो नहीं। सर 15 सवाल। मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, आई डोंट नो मजरू का पूरा नाम क्या था। Other name that comes to mind? हाँ मजरू सुल्तानपुरी, मतलब ये मैं वो शायर याद कर रहा हूँ जो एक तवील अरसे से गायब है, जिन्होंने बाद में काम नहीं किया। साहिर का भी आखिरी टाइम ही था, 5-6 साल और रहे हैं। अच्छा भैया, सुल्तानपुर से ताल्लुक था? नो सर, सुल्तानपुर से ताल्लुक नहीं है। सुल्तानपुर से भी नहीं। 16 सवाल हो चुके हैं। जी, जितने शायर बड़े बड़े ये नाम हैं, अब चूंकि उन सब के तखल्लुस इस्तेमाल होते हैं तो हमें Well, पूरा, that should be good enough. हाँ तो हम उसी से, तो हम अभी ये जाएंगे जयपुर, जयपुर जाना चाहिए कि नहीं? Okay. सर सर टेक्निकली तो यही बनता है, सही। अगर आपने टेक्निकल नॉकआउट करना है तो फिर ऐसे ही हो सकता है। अच्छा ये बताइए भैया, ताल्लुक जयपुर से है? कोई नो सर, जयपुर से भी नहीं है। ओके। बात नहीं, अब हमारे पास 3 सवाल हैं और शायर सिर्फ जी 3 ही बाकी बचे होंगे। 3 सवाल जी, बाकी। 3 क्वेश्चंस बाकी, कैफी कैफी आजमी हो चुके हैं? जी आजमी हो चुके हैं। सर, हो गए जी, वो बात की जी। डर। अच्छा ये बताइए कि ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ अपनी एजुकेशन के लिए, कि व्हेन डिड दिस नोबेल लॉरिएट डाई? दिस वन आनंद मठ वाला यार, काबली वाला, टैगोर, टैगोर, वो तो बहुत पहले ना। अच्छा जी, बाय द वे हम पहुंच गए हैं। जी। तो हम जी रिज्यूम कर लेते हैं स्टूडियो तो से। जी सर, वेलकम टू द स्टूडियो फाइनली। थैंक यू वेरी मच। 17 सवाल लेकिन हमने गाड़ी में कर लिए। सी, आप कह रहे थे इतनी क्या जल्दी, आपका प्रोड्यूसर टाइम ही दे रहा। 17 सवाल हो गए। हो गया, ये मेरा ही आइडिया था भाईजान, मेरा ही आइडिया था ना, जी हाँ, मैंने कहा आपका वक्त बचेगा। बाकी बचे आपके पास 3 सवाल। हाँ, और अब ये और भी आसान होता अगर आप जूम पे ना लेते, हमें सिर्फ ऑडियो ले लेते। कसौटी में ऑडियो मैटर करता है, हमने कनाडा में इस तरह किए हुए हैं, शकील साहब को लाइन पे ले लेते थे। जी हाँ। अच्छा जनाब, यार एक शायर थे, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? जान निसार अख्तर। जान निसार अख्तर तो इसके जावेद अख्तर के वालिद थे ना वो, जनाब या तो ये नहीं ज़हन में आता। कुड बी, बट आई एम नॉट श्योर इफ ही डाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड, माइट हैव। आई थिंक बिकॉज एवर सिंस मिड 70s हाँ आई नेवर सॉ एनी न्यू वर्क, हाँ एनी सॉन्ग, एनी, क्योंकि एवर सिंस देन आई थिंक जावेद अख्तर टुक ओवर, ओके। आइदर ही एबडिकेटेड और ही दैट बी गुड इफ पास्ड अवे, ही आस्क्ड। कि एक बड़े शायर भी उनके साहबजादे हैं। अच्छा जी, बहुत बड़े शायर उनके साहबजादे हैं। जी सर। हाँ, ओके। बात उस तरफ जाती। वी आर ऑलमोस्ट होम। जी सही दिमाग तो स्टूडियो आगे चल रहा है। यस यस। नहीं उत्थे भी चल रहा सी, मैं क्या सी ना कि जिन्हें नान है ना, हमारे पास सवाल ज्यादा हैं और शायर पीछे कम रह गए। फड़ ले तो ही दुख दी रग फड़ ली। जावेद अख्तर साहब के वालिद साहब हैं। जी सर। जानिसार अख्तर। आप
आपको पूछना चाहिए था जावेद के अब्बा. जावेद के अब्बा, जावेद के अब्बा. एटलीस्ट आई पुट अ स्माइल ऑन एफएसजे'स फेस. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और फरहान के दादा. यस जी जी. असल बात कर ही नहीं रहे कि शबाना आजमी, शबाना आजमी के ससुर और सर इनके छोटे बेटे डॉक्टर सलमान अख्तर, ही इज अ वेरी बिग साइको एनालिस्ट इन यूएसए. अच्छा अच्छा. शायर, अदीब, बुक राइटर एज वेल. वो तो सारा खानदान ही है, लेकिन बड़ा शानदार. देखें जो एक चीज थोड़ी सी आपकी रहनुमाई करती है ना, जो मैंने अपने लिए वो सोचा था कि मिड 70s के बाद अचानक जो लोग गायब हो गए, बड़े बड़े नाम, इतने इतने हसीन गाने, तो वो किधर गए सारे लोग? वेयर हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन? तो फिर मेरे जहन में ये तीन चार है. चलें, थैंक यू वेरी मच तुषार भाई, बहुत शुक्रिया. व्हाट अ वंडरफुल पर्सनालिटी इट वाज. या थैंक यू. एंड सर बिफोर बिफोर आई गो, जस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो स्टूडियो 3. इट्स अ वेरी गुड शो, आई वॉच्ड इट. व्हेनेवर यू आर इन दुबई, बी माय गेस्ट. ओके please please sir, sure I will be come and see you. balki recommend bhi karein aapke yahan se koi dost acha aa raha ho, acha se murad hai koi thoda sa well known ho. ab aap celebrity ho chuke hain kasauti ke, to isliye celebrity hona zaruri hai, to aap zarur bheje india se jitne celebrities hain, more than welcome. thank you sir, thank you, have a good day. so he passed away in august 1976. okay, san 76. शकील बदायूनी का ईयर ऑफ डेथ कौन सा है? Didn't he die around the same period? 20th April 1970. तो मैं कोई शकील बदायूनी नहीं कहता तो था. ओए शकील बदायूनी. Who was it? अनवार खान. अच्छा अनवार. 53 years old. He is retired. Once you retire, he disappears. अच्छा जी, एक बड़ी अहम बात, मैं आप लोग तो जानते हैं, पहले हम अपने स्टूडियो 3 में भी तस्करा कर चुके हैं, मैं आज कसौटी वालों से ये कह दूं कि ये आखिरी कसौटी है जर्नल व्यूअर्स के लिए. अब से कसौटी सिर्फ और सिर्फ पेट्रंस के लिए होगा, इसलिए कि हम पेट्रंस को कुछ नहीं दे रहे, और मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, और मैं कहता हूं आफरीन है हमारे पेट्रंस पे कि ये आपस में धींगा मुश्ती करते रहते हैं, हमारे ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन शिकायत नहीं की माँ सिवाय एक दो लोग जो चुप करके बेचारे निकल गए. वो कोई मजबूरी होगी, कोई बोर हो गए होंगे कि हमें एक्स्ट्रा कुछ मिल तो रहा नहीं, लेकिन थैंक यू वेरी मच, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया. और इस हवाले से मैं ये अब कहूँगा कि जिसको कसौटी की बहुत ज़्यादा तलब हो ना, वो हमारा क्लब ज्वाइन करे, वो पेट्रंस को ज्वाइन करे. बहुत शानदार पेट्रंस है हमारे, बल्कि आपके लिए इत्तला है डॉक्टर साहबा के बाकर खान साहब इज बैक. ओके गुड. वेयर? लंदन वाले. बाय मिस्टेक चले गए थे या? नहीं नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो कहीं कोई वजह होगी. ओके. लेकिन आज उन्होंने एलानिया, क्योंकि उनकी मेल आई हुई थी. ओके. कि जी मैंने रिज्यूम कर लिया है. तो एफएसजे, अब तो हमारा रिक्वेस्ट करना बनता है ना कि भाई एक तो हम आपको कसौटी दिया करेंगे इंशाल्लाह, दूसरा हम आपको चाचा बूटा के साथ थोड़ा सा क्लिप एक आध एक्स्ट्रा ज़रूर दिया करेंगे. तो कुछ ना कुछ हम शुरू कर रहे हैं, आगे चल के अल्लाह और बरकत डालेगा और ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब कोई और चीज़ भी दे सकते हैं ना. अब कुछ लोग माइंड करेंगे इस बात पे कि देखें जी ये तो कोई बात ना हो, ज्यादती है. अब तो देखें ज्यादती उनके साथ है जो बेचारे डॉलर्स पे कर रहे हैं, भले से वो थोड़ा ही है, मतलब थोड़े चंद डॉलर्स, मेरे ख्याल 10 से 20 हैं महीने के वो देकर वो, लेकिन खाम खा एक साल हो गया है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, तो इसलिए दे डिजर्व समथिंग वेरी गुड. और कसौटी को भी हम और ब्यूटीफाई करेंगे अल्लाह ने चाहा तो, कसौटी में हम कोई एक आध तगड़ा कॉमेडियन भी बिठाएंगे, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम मुख्तस करेंगे, भगदड़ में कसौटी नहीं किया करेंगे. इस तरह हो सकता है ना हम हफ्ते में 2 दे दें या 1 भी दे दें, अगर फुल ऑफ कॉमेडी ऑल्सो. हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर अली मेहदी साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ. वेलकम टू कसौटी. आपने माइक हाथ में रखा हुआ है? जी जी. अच्छा वो सिर्फ तब रखें जब बोलने लगते हैं तो, ठीक है? शख्सियत मर्द है? जी. जिंदा? नहीं नहीं जिंदा नहीं. एक शख्सियत जो मर्द है जी और जिंदा नहीं है. जी. एफएसजे वी हैव अ चैलेंजर फ्रॉम लाहौर, शख्सियत मर्द है लेकिन जिंदा नहीं. ताल्लुक एशिया से भाई? जी जी एशिया से. साउथ एशिया से भाई? हाँ जी सर. अच्छा साउथ एशिया से. तो पाकिस्तान से ताल्लुक? नहीं. अच्छा अब इंतकाल
पुरानी शख्स। अली, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं, 1974 के बाद। 50 से कम, 25 साल से ज्यादा? नहीं, 1999 के बाद। कभी इन्होंने क्या कहा था, पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं? नहीं, इंडिया। अच्छा, इंडिया से होगा। इंडिया से पूछ रहे हैं। ताल्लुक इंडिया से? जी। ओके, तो शोबिज से शुरू करें। ताल्लुक शोबिज से? हाँ जी, मेन ताल्लुक शोबिज से। जी, मेन जो प्राइमरी वजह शोहरत थी वो शोबिज थी, लेकिन शोबिज से भी। इंतकाल को कितनी देर होगी? 99 के बाद। 99 के बाद, तो फिर हम डिटरमिन करें ना, जरा करीब आए 10 साल। ये जो कह रहे हैं ना कि वजह शोहरत शोबिज है, लेकिन और भी शोभा है। हाँ जी, वो दूसरा शोभा जो है सियासत है। जी, सियासत मोस्टली FSJ, ये लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, तो वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन पहले हम डिटरमिन कर लें, नैरो डाउन करें कि इंतकाल को कितनी देर। अच्छा भैया, 12 साल से ज्यादा हो चुका है इंतकाल को? नहीं, 2012 के बाद। So it is pretty recent. Pretty recent, 2012 के बाद। 10 सवाल हो चुके हैं। शोबिज के अंदर वजह शोहरत अदाकारी है? जी। अदाकारी सुनील दत्त। Didn't he die before this period? Around this period. Uh-huh. And he was in politics also. And he was minister, I think. क्यों FSJ? जी, बिल्कुल। दोनों मियां बीवी पॉलिटिक्स में थे। सुनील दत्त वाज अ मिनिस्टर आल्सो इन कांग्रेस। भाई तो है बहुत पहले। वो भी मेंबर थी पार्लियामेंट की, जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है। ऐसा ही है ना, नरगिस दत्त। अच्छा जी, वजह शोहरत करना पड़ेगा डिटरमिन कि पॉलिटिक्स है। दूसरी वजह शोहरत नहीं, कि इतनी ऑब्वियस शख्सियत हमसे वो पूछ लेते। 11 सवाल। देखिए, दो ही है ना, एक स्पोर्ट्स है और एक पॉलिटिक्स है। जी, फिर आ जाएं दूसरी वजह शोहरत सियासत, क्या ख्याल है? आई थिंक दैट बी हेल्पफुल। अली साहब, ये बताइए कि दूसरी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? हाँ जी। ओके, लेकिन इंतकाल उनका ज़हन में आते हैं। मेरे ज़हन में तो सुनील दत्त आ रहे हैं, क्योंकि मुन्ना भाई MBBS में आखिरी काम किया था, मेरा ख्याल है उन्होंने। राज बब्बर। राज बब्बर इज अलाइव, क्या कर रहे हैं? इज ही? यस, एंड ही इज माय फ्रेंड। FSJ, मैं माइंड कर रहा हूँ आपकी ये बात। आई एम सॉरी। वो तो समाज स्मिता पटेल डाइड और राज बब्बर डाइड। स्मिता पटेल डाइड, वो बड़ी बाकमाल अदाकारा थी वो। राज बब्बर तो समाजवादी पार्टी से भी इलेक्शन लड़के जीत गया था। आई मेट हिम इन आगरा द फर्स्ट टाइम। मुन्ना भाई MBBS, बिल्कुल उधर बात जाती है। फिल्म की तरफ फिर जाएं, फिल्म से पूछ। क्यों भैया, मुन्ना भाई MBBS में काम किया है इन्होंने? नहीं। अच्छा जी, तो इट इज नॉट सुनील दत्त। 13 सवाल। क्योंकि सुनील दत्त का मुझे भी हो रहा है कि वो ही डाइड अर्लियर देन दिस। अर्लियर? अच्छा, लेकिन प्रोबेबली 2006 सर। मुन्ना भाई कब की है? मुन्ना भाई आखिरी फिल्म थी उनकी मेरा ख्याल 2003-04। अच्छा अच्छा, बस फिर तो बनता। अच्छा जी, फिर आइए अर्ली में। देव आनंद डाइड 2011 में इंतकाल हुआ 3rd December। और ये उस टाइम पे पूरे उतरते हैं जो 12, मेरे ख्याल नहीं, 2000 के बाद। 12 साल से कम, आपने सवाल किया था 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो नो, 12 साल से कम हुआ। ये पहले होगी ना डेथ इनकी, तो ये उस पे पूरे नहीं उतरते। देव आनंद नहीं है, अमरेश पुरी, ओम पुरी। इनमें से ये देखें कि कौन पॉलिटिक्स में कौन था। मैंने कभी नहीं सुना ये दोनों पॉलिटिक्स में थे, अमरेश पुरी या ओम पुरी। नहीं, सादे ही सन दोनों। अमरेश पुरी हम कर चुके हैं। जी, कर चुके। और मेन क्लेम टू फेम शोबिज है। वो एक बड़े मशहूर, जब कोई बात बिगड़ जाए, क्या, खन्ना। अच्छा, राजेश। विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, दोनों। विनोद खन्ना, राजेश खन्ना। बोथ खन्ना वाज इन पॉलिटिक्स। बोथ खन्नास वर इन पॉलिटिक्स, यस। पंजाबी, ठीक है जी। अक्षय कुमार की बेगम है ना उसकी बेटी, राजेश खन्ना। ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल एंड डिंपल। राजेश खन्ना, तो बड़ा आसान है, हम फिल्मों से पहुंच जाते हैं। अच्छा भैया, ये बताइए कि आनंद के हीरो थे? नहीं। इट्स नॉट राजेश खन्ना। जुर्म में काम किया था वो भी थी ना? जी सर। जी सर, जवाब जी सर है। He recently died of cancer. जी जी जी। दयावान। जी जी जी। दयावान का फेमस कैरेक्टर कर रखा है इन्होंने, वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा जहां से आप देख रहे हैं ना, ये इन्होंने इसी फिल्म में किया था। आपने विनोद खन्ना पूछा, अ वंडरफुल आर्टिस्ट।
वाह वाह, थैंक यू सो मच अली मेहदी साहब। थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद हैं जमीर हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं चिन्योट से बात कर रहा हूँ। चिन्योट से बात कर रहे हैं, वेलकम टू कसौटी। जी थैंक यू। जी भैया ये बताइए, शख्सियत मर्द है? यस सर। जिंदा है? यस सर। एशियाई है? यस सर। पाकिस्तानी है? यस सर। वाओ, चार सवालों में हम पाकिस्तान तक तो पहुंच गए। वजह शोहरत या शोबिज है या स्पोर्ट्स है? शोबिज से शुरू कर ले मेरे ख्याल में। और तीसरी शख्सियत लगातार शोबिज, का मतलब है आजकल शोबिज का ग्राफ रमजान की बरकतें हैं। अभी ताज़ा रमजान गुजरा है तो लोग वापस आए हैं। अच्छा जी ये बताइए कि वजह शोहरत शोबिज है? नहीं सर, फाइनली दूर का ताल्लुक नहीं है। अच्छा फिर इसका मतलब स्पोर्ट्स भी नहीं है। ये फिक्र क्या कि ना दूर दूर इसका फायदा उठाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स समहाउ शोबिज का हिस्सा आजकल बन जाता है। फिर इल्म व फजल? इल्म व फजल, दीन व दानिश। या तो शोबिज को बखैर रूल आउट करने में हर्ज नहीं है। शोबिज भी, स्पोर्ट्स भी? नहीं सर, आपने सिर्फ शोबिज का सवाल किया। स्पोर्ट्स का करें या चलें करें? स्पोर्ट्स से ताल्लुक जमीर साहब? जी शकील साहब, स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। ओके ऑल राइट, आपके इंस्टिंक्ट पे जाते तो आज आखिरी सवाल आता। जी जी, वो साउथ एशिया जो आपने बचाया था। बाय द वे मैंने स्टार्ट तो स्पोर्ट्स शोबे से ही किया था, लेकिन फिर वो शख्सियत पहले हो चुकी थी। ओके इसलिए फिर इधर मूव करना पड़ा। ऑल राइट, क्योंकि मेरा गेस्ट था आपको ज़हन में रखते हुए कि आप शोबे जरूर पूछें। आपकी शक्ल हीरोआना सी है, आपका लिबास वज़ाकता वो है शोबिज से मिलता जुलता, तो उससे शख्सियत का पता चल जाता है कि इनका रुझान किधर होगा। स्पोर्ट्स जो है वो यंगस्टर्स मोस्टली स्पोर्ट्स की तरफ भी आते हैं, तो मस्ट बी अ क्रिकेटर। टीम स्पोर्ट्स है जी? जी सर, टीम स्पोर्ट। इज ही अ क्रिकेटर? यस सर। आठ सवाल। एफएसजे योर विटनेस। अच्छा, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस? रिटायर्ड सर। 75 के वर्ल्ड कप पे जाएं, 75 का वर्ल्ड कप खेले हुए, ताकि एक बेंचमार्क मिल जाए हमें। जी जी सर। अच्छा जमीर साहब ये बताइए कि 75 का वर्ल्ड कप खेले हुए? जी सर। वाह वाह वाह, दैट मेक्स थिंग्स मच इजियर। 10 सवाल। एफएसजे माजिद और सादिक ही थे ओपनर्स? जी बिल्कुल, माजिद और सादिक। माजिद और सादिक थे, तलत बाय दैट टाइम हैड रिटायर्ड। माजिद, सादिक, मुश्ताक, आसिफ इकबाल, जावेद मियादाद, इमरान खान, जहीर अब्बास, जहीर अब्बास, वसीम बारी, इंतखाब आलम, यस एंड पीजे मीर प्लेड वेरी वेल। वो 28 स्कोर बड़ा काम का था, तो वो पीजे मीर नहीं हो सकते। इन्होंने कहा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है शोबिज से, सो पीजे मीर इज रूल्ड आउट। ये बताएं कि इंतखाब आलम रिटायर हो चुके थे तब तक, क्योंकि आसिफ इकबाल था आई थिंक सैडल में। नहीं, इंतखाब उस देर वाज ही 75 में रिटायर नहीं हुए। अच्छा फिर सरफराज नवाज, ये कर लेना बॉलर बैट्समैन। नहीं वो तो कर रहे हैं सर, पहले तो मैं टीम को जरा ऐसी रैंसैक कर रहा हूं। हां तो सरफराज भी थे। सरफराज भी थे। सबसे फेमस जो था वो वेस्ट इंडीज के साथ मैच था। जी जी सर, जीता हुआ मरे, जीते हुए हम हार गए सर। एंडी रॉबर्ट्स ही हमें पड़ गया सर, मरे पड़ गया। 150 स्कोर नहीं हमसे हो सका, हमारी किस्मत में नहीं मरे था। एंड एंडी रॉबर्ट। अच्छा भैया ये बताइए कि बेसिकली ही वाज अ बैट्समैन? यस सर, बैट्समैन है। बैट्समैन थे। जहीर अब्बास सर, बात जहीर की तरफ जाती है। एशियन ब्रैडमैन। एशियन ब्रैडमैन आज बॉस्टन का हीरो। 11 सवाल। ताल्लुक सियालकोट से? हाँ। 274 बॉस्टन। बैटिंग ऑर्डर पे जाने की जरूरत तो नहीं है कि ओपनर या माजिद खान हो सकता है सर, या जहीर अब्बास हो सकता है, ये दो बेस्ट बैट्समैन थे उस दौर के। जी जी, तो एशियन ब्रैडमैन पे जाएं। एशियन ब्रैडमैन। अच्छा जी, एशियन ब्रैडमैन के नाम से याद किए जाते हैं? जी सर बिल्कुल, एशियन ब्रैडमैन के नाम से याद किया जाता है। सियालकोट से ताल्लुक है। एट बॉस्टन, एट बॉस्टन के हीरो हैं। आपने जहीर अब्बास पूछा। जी सर।
देखें 75 का वर्ल्ड कप कितना कारामत साबित हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपने जब कहा ना कि यस, तो मैंने कहा टीम सारी हमारी गिरफ्त में है। हमारे दो एक मेजर लैंडमार्क्स हैं जब हम क्रिकेट पे आते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर आते हैं, 92 और 75। हाँ जी, 75। और सर मुझे पता था कि आपने गेस कर लेना है। ज़हीर अब्बास के साथ मुझे बड़ा, सबको प्यार है, हमारे हीरोज हैं, लेकिन मेरे साथ उनका जरा ज्यादा प्यार मोहब्बत भी करते हैं, शो भी देखते हैं। लास्ट टाइम मेरी मुलाकात जब उनसे हुई, अरसा हो गया वैसे तो ताज़ा ताज़ा वो ज़ख्मी होकर आए थे इंग्लैंड में ना, वो होता है कि सीढ़ियाँ उतरते हुए बाजू का सीढ़ियों के ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ रह जाती है और बड़ी हार्ड होती है वो और बहुत स्लिपरी, ब्लैक आइस। हाँ, ब्लैक आइस होती। तो मैंने कहा कि चलते चलते कोई मशवरा ही दे दे, कहते तो सारे इन्ने मशवरे दिते ने, मैं सोच, मैं क्या मैनू मशवरा दे दो कोई, कहते एक गल याद रखी, कभी रेलिंग पकड़े बगैर सीढ़ियों से ना उतरना, ये याद रखना। वेरी गुड एडवाइस, एंड इट वॉज सच अ गुड एडवाइस। मेरे सामने कोई उतर रहा होता है FSJ, मुझे कोफ्त होनी शुरू हो जाती है, और जिसे मैं एक दफा नसीहत करूं, फिर हुक्म अदुली करे या फिर नाफरमानी करे, बच्चों में हो या जो भी, मैं फिर चिल्लाता हूं इस पे। तो ज़हीर अब्बास को याद करने का एक अच्छा मौका जमीर भाई आपने दिया, और चलिए पूरे चनियोट को हमारा सलाम कहिएगा, खास तौर पर हमारे यारे आवारा गर्द नासिर चनियोटी को भी सलाम कीजिएगा, अगर उत्थे नजर आ जाए तो उन्हें किधर। जी सर, उनको मिस करते हैं, उनको वापस ले आए शो में सर। आ रहा है, वो आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, शो जरा ग्रूव में आ ले, वो भी आ जाएगा। माशाल्लाह चनियोट भी बहुत काम किया था तुसी। ओए हो, इस्त्री दा? वो इस्त्री दा नहीं पाया। इस्त्री दा मैं इत्थे गुजरांवाली पैकअप कर आया सी, ऐ काम किया उत्थे अपना ड्रामे च। चनियोट चनियोट पायन की थिएटर चलते होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात। नासिर चनियोटी भी चनियोट थिएटर द प्रोडक्ट? नहीं, ए उथे उथे दे रैशी हो सकते ने, मेरे हाल काम मैं इन्होंने ज्यादा आके इधर कीता फैसलाबाद, मुल्तान ज्यादा, फैसलाबाद फिर लोर ज्यादा, मुल्तान काम कीता चनियोटी साहब। अच्छा अच्छा, ये हिट उथे हुए ने।